मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आपके एओडी, मैंने बोला एओडी हम लोग शुरू करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया प्रोग्राम में, ठीक है, फिर आपने इसका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, उसने ये पूछा था इनवर्स वाला ना, कि इनवर्स अगर एफ और जी एक दूसरे का इनवर्स है तब आप कैसे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। एक टॉपिक जो है वो हम लोगों ने वहाँ पे नहीं पढ़ाया अभी, जिसे आप IDF करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैंने उसके फॉर्मूले भी छुपा दिए थे आपको, जैसे टाइम इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप एड कर देते हैं 1/√1 − x² करके, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो फॉर्मूले लिखा है, बट अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। जैसे आप साइन इनवर्स बी का फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ना साइन इनवर्स ऑफ वाई, इस टाइप के फॉर्म में इसका यूज इन डिफरेंशिएशन, या वैसे बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन का यूज इन IDF। तो IDF तो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, जब वो IDF डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो पोर्शन जो एक पोर्शन थोड़ा छोटा सा है उसके आप 10 क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, तो वो पोर्शन हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है, बहुत अच्छे से इसको समझ लिया ना कि IDF का पोर्शन हमने जस्ट उसके फॉर्मूलेस का यूज सीखा है, ना कि उनकी प्रॉपर्टीज का हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब वो हम लोग पढ़ेंगे, जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन में आपका 1 1 1 2 ना वो तमाम सारे टाइप के फंक्शंस हैं, उसके बाद IDF पढ़ेंगे, और IDF में ही मैं आपको वहां पे डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपका ये जो डिफरेंशिएशन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि मैं करा दूंगा, ये इनवर्स वाला जो हमने कल टॉपिक पढ़ रहे थे उसका बता तो दिया था मैंने कि d/dx और 1/dx/dy होता है, बट उसका एक अगर आप एग्जांपल करेंगे ना तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं AOD। चलिए, जैसे आपके पास एक फंक्शन है fx = एक्सपोनेंट, क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट x³ प्लस x² प्लस x करके, ऐसे एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, e^x में लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है एक्सपोनेंट, एंड g एक फंक्शन है एंड g इज इनवर्स ऑफ f। अभी इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ये आप फंक्शन में पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों को पहले पढ़ा देना चाहिए था कि वो सीक्वेंस पहले ही पढ़ा जाता है फंक्शन, ठीक है, बट आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, हम लोग कह रहे हम कर लेंगे इसको, जी बी द फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ एफ, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है, देन जी डेरिवेटिव ऑफ e³ का वैल्यू बताना है आपको, ये बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास y दिया हुआ है और इनवर्स भी क्या हो जाएगा भाई, जहां पे y है वहां पे 1/x करके आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपसे dx/dy की वैल्यू पूछा है, तो आपके पास g डेरिवेटिव ऑफ y होगा वो क्या होगा, dx/dy होगा। आप इधर समझिए, इनवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा एक दूसरे के, अगर आपके पास ये x के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो इसका जो इनवर्स होगा वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये रिलेशन होता है, फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन में रिलेशन, क्लियर है। अब आप देखो, अगर हमें y पता है इसका मतलब, तो y इक्वल्स टू कितना होगा, यहां पे y इक्वल्स टू एक्सपोनेंट और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा x³ + x² + x करके, क्लियर, तो d/dx जरा निकालो कितना आएगा, d/dx = ये सब कुछ किसके कहां पे लिखा हुआ है, e^x में लिखा हुआ है, तो e^x का डिफरेंस क्या होता है, e^x³ + x² + x होगा इनटू इस वाले पोर्शन का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, ये x³ + x² + x का कितना होगा 3x² + 2x + 1 करके इतना आएगा डिफरेंशिएशन। अब हमें चाहिए d/dx नहीं चाहिए, क्योंकि हमें g डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो क्या है कि dx/dy, तो जरा इसका dx/dy देखो कितना आएगा,
डी एच बाई डी वाई आ जाएगा रेसिप्रोकल करके, वन बाई करके ना, वन बाई ई की पावर एक्स क्यूबिक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन करके, क्लियर। अच्छा अब देखिए, अब हमें वो वैल्यू किस पे निकालनी है, ये जी डेरिवेटिव ऑफ वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, ये वाली जी डेरिवेटिव ऑफ वाई ये, और हमें चाहिए जी डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर थ्री करके, इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, वाई को किससे रिप्लेस किया हुआ है इन्होंने, e की पावर थ्री, यानी कि वाई को बच्चों को e की पावर थ्री ले सकते हैं। तो देखो यहां पर y हमारा क्या है, y ये पूरा फंक्शन था, ठीक है, y हमारा क्या है यहां पे, y इक्वल्स टू e की पावर 3, y इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, y इक्वल्स टू था e की पावर x क्यूबिक प्लस x स्क्वायर प्लस x करके था, ये y है। इसके अकॉर्डिंग जो हमें फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहां पर आपने y की जगह पे क्या पुट किया है, e क्यूबिक पुट किया है, तो आप यहां पुट कर दीजिए e क्यूबिक इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e की पावर x क्यूबिक प्लस x स्क्वायर प्लस x करके, ओके। अब देखो यहां पर आप क्या करिए, देखो इनके एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, x क्यूबिक प्लस x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x क्यूबिक प्लस x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3, ठीक है। इसको आप और सिंपलीफाई कर लीजिए, यहां पे आ जाएगा x क्यूबिक प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके फैक्टराइज करना है इसको, क्योंकि ये वैल्यूज इसकी निकालनी है। तो आप 1 देखो इसका फैक्टर है क्या, x इक्वल टू 1 पुट करके, हां 1 प्लस 1 प्लस 1 क्यूबिक का फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं आता, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब ना, उसको उस वाले फॉर्मूले से, या तो आप उस वाले फॉर्मूले से करिए जिसमें हम लोग पैरामीटर पुट करके चेक करते हैं ना, x की वैल्यू 1 पुट करो तो आप देखो इसका कितना आंसर आ रहा है। तो आप देखो x जब अगर 1 पुट करेंगे, अगर ये 0 हो गया इसका मतलब क्या है, 1 इसका क्या है फैक्टर है, 1 पुट किया तो 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। फिर आप क्या करिए, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करिए इस इक्वेशन को, तो जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करके, ठीक है। अब देखिए यहां से ये जो है इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, आप चेक कर लेना, तो यहां से हम लोग x की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, इसका मतलब जब x 1 होगा, x इक्वल टू 1 होगा, तब वो y होगा किसके बराबर होगा, e की पावर 3 के बराबर होगा। तो आप यहां पे क्या पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो देखो 1 डिवाइडेड बाय e 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1 3 होगा, ये 2 होगा प्लस 1 होगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 5 6 होगा, 6 इनटू e क्यूबिक करके आ जाएगा सर इसका। तो अगर आपसे एक फंक्शन का कोई दूसरा इनवर्स दिया हुआ है, ऐसे बोले कि एट जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स में दिया हुआ है तो हम किसके टर्म्स में निकाल लेते हैं, डी एक्स बाई डी वाई एक्स के टर्म में आप निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन, ओके क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एओटी, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक एओटी, फुल फॉर्म क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितना डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है उसका प्रैक्टिकली यूज क्या है ना, हम लोग कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो एओटी जो टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, काफी लंबा चक्कर है ना, तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे आपका रेट मेजर करके एक टॉपिक आएगा इसमें, टेंजेंट एंड नॉर्मल करके आएगा, मैक्सिमा मिनिमा करके आता है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन करके आता है, मीन वैल्यू थ्योरम आती है, काफी लंबा चक्कर है ना एओडी। इसमें क्या लिखोगे, एप्लीकेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ
डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन, उसका हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे या कहां कहां पे यूज होता है। तो सबसे पहला जो ब्रांच है उसमें हम पढ़ते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये ओडी का सब पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, वो क्या है टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपने कोऑर्डिनेट में सुना होगा टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। टेंजेंट क्या होती है, हाँ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेंजेंट के बारे में, ठीक है। देखो जैसे आपने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ा है टेंजेंट, टेंजेंट का जो आपको क्लास 9th में 10th में या 14th में हर जगह पे यही बताया गया है कि टेंजेंट क्या होती है, एक पॉइंट होता है ए और इस पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन होती है वही क्या होती है टेंजेंट होती है और यूनिट टेंजेंट होती है। चलिए ठीक है, ये अपनी जगह एक सही डेफिनेशन है, पर एक्चुअल में ये नहीं होता है, एक्चुअल में यही होता है, बट इसके अंदर क्या होता है कोई मुझे नहीं, ये लाइन कैसे बनी होगी वो मैथमेटिक्स में आ जाता है। जैसे आपको आपने अगर डेरिवेटिव के देखे होंगे लेक्चर डिफरेंशिएबिलिटी के, वहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि टेंजेंट मैथमेटिक्स में वो भी किया है। टेंजेंट क्या होती है, जैसे जस्ट क्विक रिव्यू देते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं टेंजेंट में। जैसे आपके पास कोई कर्व है ये और हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है ए पॉइंट पे, तो आप क्या करिए दो कॉर्ड ड्रॉ करिए, एक ए बी और एक ए सी, पॉइंट बी एंड सी मूव ऑन द कर्व, ठीक है, पॉइंट बी और सी जो होंगे वो ऑन द कर्व मूव करेंगे। अच्छा अगर आप डायग्राम देखिए, अगर पॉइंट बी जो है वो ए की तरफ जा रहा है और ऑन द कर्व ना ऐसे मूव कर देगा इधर गए, ये तो फिफ्थ पॉइंट हो गया ना ए, आप यहाँ पे गए तब ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, तो आपने देखो तो एक लाइन हमने बना दिया इधर ए पर, ठीक है, इसको हमने टी वन दे दिया नाम और इसको टी टू दे दिया। तो जैसे जैसे आप बी जो है बी से ए की तरफ जा रहे हैं ऐसे से, वैसे क्या हो रहा है ये लाइन जो है ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे बेंट हो रही है। तो अगर आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि बी टू ए जब जा रहे हैं तो बी ए जो है वो टेंस टू है ए टी वन, ए टी वन एक सेगमेंट है उसकी तरफ जा रहा है, फिर उसकी तरफ जा रहा है। अब क्या होगा कि जब आप सी से ए की तरफ जाएंगे ऐसे करूं, यानी कि सी से आप ए की तरफ आए तब क्या होगा, ये जो कॉर्ड है वो यहाँ पे आएगी फिर यहाँ पे आएगी फिर यहाँ पे ऐसे है ना, ए की टू ऐसा लगेगा कि जब ए सी जो है, ए सी जो है वो टेंस टू कहाँ जा रहा है ए टी टू पर, जब ए और बी या बी और सी सब एक पॉइंट आ जाएंगे ए पर तब क्या हो जाएगा ए टी वन इक्वल टू ए टी टू हो जाएगा, यानी कि टी वन टी टू एक लाइन बनेगी जो क्या है टेंजेंट टेंजेंट एट ए। इसका मतलब टेंजेंट क्या होती है वो कॉर्ड का एक लिमिटिंग पोजीशन होती है ये। अब कोई जरूरी नहीं, जैसे अभी एक एग्जांपल है कि वहां पे आप देखना कि वो टच नहीं कर रही है कर्व को तभी टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन आपने 9th-10th में पढ़ा है या हमने भी कोऑर्डिनेट के लिए डिस्कस किया होगा कि टेंजेंट क्या होती है, जंपिंग लाइन मतलब एक पॉइंट को टच करती है वही टेंजेंट होती है, वो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उसको और मॉडिफाई किया है हम लोगों ने। जिसे मैंने एग्जाम्पल किया हुआ है ये वाला, ये मान लो कर्व है ऐसे और इस टाइप से एक मान लो ग्राफ दिया हुआ है ऐसे और ये एक वर्टिकल लाइन मिल जाएगी, यहाँ पे एक पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट था, यहाँ पे बी ईयर यहाँ पे सी ईयर हो गया। देखो अगर मैं बी टू ए जाऊँगा कॉर्ड कहाँ जाएगी, बी टू ए यहाँ पे है ऐसे से जा रही है, किस लाइन पर अप्रोच कर रही है ए टी वन को, ये सब हमने डिस्कस किया। सी सी से क्या होगा,
सी से अगर आप जाएंगे ए की तरफ, बी कॉर्ड इधर की तरफ टेंस करेंगे, यानी कि ए टी वन यहाँ पे क्या है, ए टी वन इज अ टेंजेंट एट ए, बी देखो कर तो कहाँ पे टच कर रहा है, तब तो ये इस कंडीशन के बारे में आप बोलोगे तो फिर ब्रेक हो गया ना, ये तो हो गई नहीं है, बॉम्बे का गलत है, बॉम्बेटी का गलत है, वैसा नहीं होता है। ओके, जैसे आपने y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ पढ़ा होगा, ये सेकंड एग्जांपल हो गया, और देखो y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ, यहाँ पे क्या होता है, इसका एक्स होता है ना y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ, तो x एक्सिस जो होता है वो ऐसे टेंजेंट शेयर करती है यहाँ पे, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई कर्व दिया हो और आप ये पूछे कि एट गिवन पॉइंट वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है या नहीं है, या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पॉसिबल है या नहीं है, तब वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो टेंजेंट का स्लोप डिफाइन करने के लिए, जैसे अगर उसका स्लोप डिफाइन होगा, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकल जाता है, जैसे हम डिवाइडर की बात करें किसी भी पॉइंट पर, तो क्या रहता है वो टेंजेंट का स्लोप, मान लीजिए कि डिवाइडर आपके पास फाइनाइट नहीं आ रहा, देखो एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए यहां पे देखो इस जगह पे जैसे आपने डिवाइडर dx निकाला, ये जो स्लोप है उस टेंजेंट का गिवन पॉइंट पे, ठीक, बट आपने किसी पॉइंट पे निकाला मान लो x1 y1 पे और ये फाइनाइट नहीं आया, फाइनाइट नहीं आया का मतलब देखो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी, या तो कोई एक फाइनाइट नंबर आ जाए m, यानी कि जिस टेंजेंट को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिस कर्व को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनी होगी वो कोई फाइनाइट एज ही बना रही होगी, जिसकी वैल्यू m है, वो m ही आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो जाए कि प्लस माइनस इनफिनिटी है, हो सकता है कि प्लस माइनस इनफिनिटी आए, अच्छा इनफिनिटी आने का मतलब क्या है, वर्टिकल टेंजेंट होगी इस टाइप की, एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना होगा, ठीक है, तो है तब अभी भी टेंजेंट डिफाइन हो रही है ना, वर्टिकल टेंजेंट बन रही है। अच्छा ऐसा हो जाए कि अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं और राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं और उस टाइम पे दोनों इक्वल नहीं आ रहे, जैसे अच्छा देखो अब एक चीज और, डी वाई बाई डी एक्स अगर एग्जिस्ट ना करे मान लो, यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है ना डेरिवेटिव, आपने डेरिवेटिव निकाला दोनों में फाइनाइट आंसर आ रहा है, बट अगर आप कोई ऐसा केस हो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट ना करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ भी हम नहीं बारे में बात करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर हो रहा है उस पॉइंट पे तो फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, कब ये चेक करेंगे जब हमारे पास ये फाइनाइट आंसर नहीं आ रहे, इसका या फ्लक्चुएटिंग कर गया है, फ्लक्चुएटिंग मतलब ना गैप दे दे वैरी करेगा, ठीक है, तब हम लोग वाई की फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल आपको याद है f x plus h minus f of x divided by h करके का वो वाला फंक्शन, वो वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, और अगर इसमें आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसी में अगर यहाँ मान लो हमने इसका यंगिंग वैल्यू निकाल लो x tends to 1 करके या x tends to x1 पे, और इसका मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आ रहा है राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आपने किया उस पॉइंट पे फंक्शन की टेंजेंट होगी एग्जिस्ट नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगा मुझे समझते हैं हम, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो कैसे, जब आप डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते तो टेंजेंट कहां से निकालोगे, कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी आगे वाले क्वेश्चन में एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालने के दो तरीके, या तो आप डिफरेंशिएट कर दो
अगर ये डिसीजन पॉसिबल नहीं है तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, दोनों एक बार चेक कर लो, अगर डिफरेंस है भाई वही तो डिफरेंसिबिलिटी की कंडीशन है, अगर दोनों इक्वल हो गए तब तो टाइम निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, ये एक प्रोसेस है कैसे हम लोग टेंजेंट को डिफाइन करेंगे किसी गिवन पॉइंट पे। चलिए अब हमारी ये टेंजेंट डिफाइन हो गई तो हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन तो वैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, अगर आपके पास जैसे हम लोग डीवा का डीएक्स निकालते हैं किसी भी डेली फंक्शन का तो हमें क्या देता है, स्लोप देता है, तो देखो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, क्या होगा आप जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व को आप डिफरेंशिएट कर देंगे एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, ये आपको उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकाल के दे देगा आपको। क्लियर, अब आ रहा है इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, तो टेंजेंट एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए आपको मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक गिवन पॉइंट हो मतलब एक पॉइंट हो और उसका स्लोप पता हो, तो हमें पॉइंट तो पता ही है एक्स वन वाई वन, स्लोप भी पता है, तो पॉइंट फॉर्म क्या बात है, क्या इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ से ये जी वाई बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आता है कि दो टाइप की टेंजेंट हो सकती है, या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, क्या होती है द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल में क्या होगा जैसे इस टाइप से होगा ना परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस होगी जो भी टेंजेंट होगी, यानी कि ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है तो tan 90 कितना होता है इंडिटरमिनेट इंफिनिटी आता है, यानी कि डी बाई डी एक्स क्या होगा वहां पे इंफिनिटी, तो डी एक्स इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, बट हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई जो होगा वो जीरो होगा। तो वर्टिकल टेंजेंट होने के लिए एक कंडीशन हमारे पास आ गई कि जब कब वर्टिकल टेंजेंट आपको देगा जब डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा इक्वेशन ऑफ वर्टिकल टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल टेंजेंट इसको देखिए, ये पोर्शन जीरो है यानी कि एम एम क्या है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे वन बाई जीरो आया ना एम तो डी बाई डी एक्स है, तो राइट साइड वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, राइट साइड ये लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड वाला अगर जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वन, यानी कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसको रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकल टेंजेंट को। तो जरा हमको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में क्या होगा स्लोप जीरो हो जाएगा, डी वर्स डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो ये पोर्शन जीरो होगा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई वन, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई वर्टिकल टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अब देखो इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपके पास पॉइंट गिवन होगा और कर्व गिवन होगा और उस पॉइंट पर उस पॉइंट से पासिंग टेंजेंट की इक्वेशन आपसे पूछेगा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि मान लो उस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू मतलब टेंजेंट का इक्वेशन दिया हो
और वो टेंजेंट किसी और टेंजेंट पे क्या हो रही है या किसी और लाइन पे परपेंडिकुलर हो रही है या पैरेलल हो रही है, ठीक है, तब आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछेगा, इस पॉइंट जिस पॉइंट को टेंजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें और टॉपिक है कि सब टेंजेंट क्या होते हैं ना, सब टेंजेंट क्या होती है, सब नॉर्मल क्या होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इसमें क्वेश्चन है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक पॉइंट आपको निकालना है ऑन द कर्व, कर्व आपको दिया हुआ है y equals to x cube minus 2x square minus x, ये कर्व दिया हुआ है, at which the tangent line, at which the tangent line is parallel to y equals to 3x minus 2, इस क्वेश्चन को रीड करिए फटाफट। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। सबसे पहले क्या है, एक कर्व है, जैसे ये कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट बताना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, विच द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल। अच्छा, इस लाइन, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के पैरेलल है, ये जो गिवन लाइन है, उस टाइम में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो हमें इक्वेशन कितनी बनानी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम आप डालते हैं कि आप चाहे एक्स वन वाई वन की वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इक्वेशन की वो कितनी होनी चाहिए, दो होंगी, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल, एक ही इक्वेशन से आप दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हाँ दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन मिनिमम होना पड़ेगा। तो पहला, अच्छा ये पॉइंट सब में आपको याद रखना है कि जो पॉइंट होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, ऑन द कर्व, और उसी बात है गिवन नहीं यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट है क्या है, तो हम इसको एज्यूम करेंगे ना, लेट पॉइंट ए एक्स वन वाई वन ऑन द कर्व, तो ये ऑन द कर्व यानी कि ऑन द कर्व इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या क्या बनेगा, ए एक्स वन वाई वन लाइज ऑन द कर्व, ऑन द कर्व जो कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन क्या बनेगा, वाई वन इक्वल टू एक्स वन क्यूबिक माइनस टू एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स वन, ये क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन देखो, मैं कहां पर क्या कैसे पता चलेगी, जैसे ये टेंजेंट लाइन है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है और यही लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल है, तो आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इस टेंजेंट का हम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, अभी प्रीवियस हमने पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, ये क्या देगा आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये किसके इक्वल होगा, ये इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, तो किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते, माइनस ए बाई बी होता है ना, इस वैसे इनटू 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करते माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, ये कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, माइनस ए बाई बी का मतलब ये 3 आएगा, तो डी बाई डी एक्स इसका निकालो कितना आएगा, इसका 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x और माइनस का 1,
इस बल्कि कितना होगा 3 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 3x स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है पार्ट ऑफ पेपर अगर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एट पॉइंट x1 y1 पे निकालना है ना, तो देखो इस इक्वेशन में हम लोग x1 पुट कर देते हैं कितना आ जाएगा देखो 3x1 स्क्वायर माइनस का 4x1 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 ये बन गया। अब इसको फैक्टराइज करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करीब ये कितना आ रहा है, एक आएगा आपके पास x1 माइनस 2 करके और एक आएगा 3x1 प्लस 2 करके इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास x1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक x1 इज इक्वल टू माइनस का 2 बाय 3 आ जाएगा। दो कोऑर्डिनेट आते हैं x1 के, हां हो सकते हैं एक कर्व के ऊपर दो पॉइंट हो सकते हैं, एक ही टेंजेंट दो में नहीं होगी ठीक है, दो पॉइंट हो सकते हैं ऑन द कर्व। ऐसा नहीं कि सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऐसे दो पॉइंट से पासिंग और पैरेलल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हां कर्व के ऊपर दो ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे जब आप उनके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो केवल जाकर पैरेलल होगा, ऐसा हो सकता है। तो पहला हम निकालते हैं when x1 is equal to 2 then y1 कितना है, यहां से फाइंड कर लो तो y1 आ जाएगा आपके पास 2 का 2 भी कैंसिल 8 माइनस 4 यानी कि 8 होगा तो माइनस का 2 कितना है माइनस का 2 आएगा यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा आपका वो हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 2। आप निकाल के देख ही सकते हैं अगर आप क्रॉस चेक करना हो इस पॉइंट का टेंजेंट निकालो उस गिवन कर्व के ऊपर तो उसका देखना उसका स्लोप इक्वल आएगा 3 आएगा। जब x1 की वैल्यू होगी -2/3 व्हेन x1 आपके पास हो जाएगा -2/3 तो y1 कितना आएगा चेक कर लिया -14/27 आता है y1 तो होगा माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 27 आएगा। क्लियर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, उसमें डायरेक्ट सीधा सीधा आपसे पूछा है कि इक्वेशन गिवन था, इक्वेशन गिवन नहीं था, एक इक्वेशन गिवन था उसके स्लोप के बराबर आपसे पूछा है इसका स्लोप क्या होगा, कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ओके एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसे आपके पास इसमें दिया हुआ है विच फंक्शन है वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। एडी नोट भैया एडी नहीं क्वेश्चन ही है विच फंक्शन which function have vertical tangent tangent at x equal to 0 at x equal to 0 इसे first है आपके पास fx is equal to root over of mod x पहला, second है fx is equal to x की पावर 2/3 करते हैं तो है आपके पहले क्वेश्चन सुन लो क्या पूछा है विच फंक्शन हैव वर्टिकल टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 यानी कि ये दो कर्व है x इज इक्वल टू 0 पर आपको बताना है वर्टिकल टेंजेंट है या नहीं है बताइए बच्चे, यानी कि आपसे स्लोप पूछा है ना dy/dx का, dy/dx की वैल्यू पूछा है आपसे कि अगर इनफिनिटी आ जाए क्या आ जाए इनफिनिटी आ जाए तो वो क्या होगा, जैसे वर्टिकल टेंजेंट होने की कंडीशन क्या है dy/dx at x = 0 ऐसे हम सॉल्व करेंगे ना इसको, इस हमारे पास ये fx है यानी कि y = दिया हुआ है तो हम वो निकालेंगे इसका dy/dx किस पॉइंट पे at x = 0 पर, और अगर वो इनफिनिटी के बराबर आ गया
अगर वो इंफिनिटी के बराबर आता है, इसका मतलब क्या, एक और फंक्शन ले लो तब तू वर्टिकल टेंजेंट देगा, अगर इंफिनिटी के बराबर नहीं आएगा सिग्मा मैक्स कर दे। तीन फंक्शंस है तो फटाफट चेक करिए, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या आप लोग? नहीं, बॉन्ड अंदर जा रहा है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्या जाएगा, fx इक्वल टू, इसको दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो ये मॉड यानी कि रूट में ब्रेक होगा, सिर्फ रूट x करके आएगा, और जब ये x यहां से 0 होगा तो कितना होगा, ये माइनस ऑफ रूट x करके करो, या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय 2 रूट x आएगा ना, यही में डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 1 बाय 2 रूट ओवर ऑफ x, और यहां पे कितना आएगा, 1 बाय 2 रूट ओवर ऑफ x आएगा, बट माइनस साइन आएगा, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आप करने को इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लगा सकते हैं, बट इन डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, एग्जैक्ट जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां पे राइट डेरिवेटिव कितना आएगा, यानी कि f डेरिवेटिव ऑफ 0 पॉजिटिव, ये वाला पोजीशन 0 पुट करो, 1 बाय 0 कितना होगा, इनफिनिटी, पॉजिटिव इनफिनिटी आ रहा है, और f डेरिवेटिव ऑफ 0 नेगेटिव कितना आएगा, माइनस इनफिनिटी, और आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए था, एग्जैक्ट इनफिनिटी इक्वल आना चाहिए था ना, दोनों इनफिनिटी के बराबर, तो वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा एट x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन के लिए। भाई वर्टिकल टेंजेंट प्रूफ करने के लिए आप क्या प्रूफ करें, इधर बैठिए इस फंक्शन का एट गिवन पॉइंट पे क्या आ जाए, इनफिनिटी आ जाए, भाई इधर बैठिए इसका आ जाता है, उस टाइम का स्लोप देता है, यानी कि आपसे मेन केस पे क्या पूछा गया है कि x इक्वल टू 0 पर आप स्लोप निकालिए, और स्लोप अगर इनफिनिटी आ गया यानी कि वर्टिकल टेंजेंट घुमा घुमा के पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके चलिए सेकंड वाले को सॉल्व करिए, 2/3 है, 2/3 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, x की पावर n की तरह बिहेव करेगा, x की पावर n और n माइनस 1 करके, देखो fx आपके पास दिया हुआ है x की पावर 2/3, इसका डिफरेंशिएशन करा निकालो, dx यह लेगा 2/3 into x की पावर 2/3 माइनस 1 करके, कितना आएगा ये 2/3, लेकिन इसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा, चलो 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कर्व ये घूम के आया ना, उस टाइप का बन गया है, यह लेगा x की पावर माइनस 3 माइनस 1 बाय 3 करके ना, फिर आएगा 2/3 और 1 डिवाइड बाय x की पावर 1/3 करके, इस पर d का वैल्यू dx एट x इक्वल टू 0 कितना आ रहा है, इनफिनिटी, ये होगा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमारा d है। ओके सिग्मा मैक्स में क्या होगा, सिग्नल एक्स में क्या होता है कि इसमें हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल एक्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे देखो सिग्नल एक्स में क्या होता है कि जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तब 1 होता है ना फंक्शन, जब एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होती है 0 होता है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो -1 होता है, ये सिग्नल एक्स का क्या है, एक्सटेंशन। अब हमें चाहिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी f डेरिवेटिव ऑफ 0 पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकालते हैं क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स दिए हैं। ओके क्या करता हूं, f ऑफ a प्लस h जिस पॉइंट पे आप निकालते हैं, और m डी वैल्यू यहां पे क्या था, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, और f ऑफ a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाय h करके था, ठीक है, जब h
ग्रेटर देन 0 है, 0 पॉजिटिव पे फंक्शन कौन सा आएगा, ये आएगा। तो यहां पे तो ये फंक्शन क्या होगा, x क्या है वहां पे, 1 ही है, 1 ही आ जाएगा। 1 f ऑफ 0 कितना है, 0 है, डिवाइडेड बाय h आएगा। और जब आप h टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, प्लस इनफिनिटी, ठीक है। और राइट डेरिवेटिव देखो कितना है, लेफ्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, f डेरिवेटिव 0 नेगेटिव, इसकी वैल्यू ये आएगा, ये भी कितना आएगा, माइनस वन आएगा। नीचे कितना आता है, माइनस एच आता है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, तो माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस एच आ जाएगा। ये एच एच कैन वन वन कैंसिल आउट हो रहा है, वन बाई एच, ये भी कितना आएगा, प्लस इनफिनिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ये इनफिनिटी के बराबर। इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू कितनी है, इनफिनिटी के बराबर, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट हम उसमें डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, और टेंजेंट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मल क्या होती है। नॉर्मल जो नॉर्मल क्या होती है, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कर्व के ऊपर कि हमेशा वो सेंटर से पास करे, जैसे आपने सर्कल में पढ़ाया ना कि नॉर्मल जो होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से पास करती है, बट हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स में वो सेंटर से ना पास करे। तो ऐसे डेफिनेशन क्या होगी, अलाइन अलाइन परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, बस। अब पासिंग थ्रू सेंटर ये सब कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि कर्व पे बात हो रही है, एक स्पेशल कर्व के स्पेशल टाइप ऑफ कर्व की बात नहीं हो रही है। तो सबसे फर्स्ट यहां पे आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये कितना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है जैसे दो लाइन का परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट का जो स्लोप होता है, सेकंड का जो स्लोप होता है, उसका प्रोडक्ट माइनस वन होता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम टेंजेंट मानते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, माइनस वन बाय एम वन। अब ये कहते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए गिवन पॉइंट एक्स वन वाई वन, तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या होगा, यहाँ पे m जो होगा वो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय m1 होगा। डायग्राम में तो इसका ऐसा बनेगा, अगर आपके पास ये टेंजेंट है, ये a पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब कई बार हमारे पास कोऑर्डिनेट भी निकालने को आता है, अननोन कोऑर्डिनेट, एक दो ये भी तरीका है इसको फाइंड करने का। एक दो तरीका हमने पीछे सीखा हुआ है कि आप कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करिए ना, कर्व की इक्वेशन पे पहले पॉइंट निकालिए, फिर दो इक्वेशन निकालिए, एक ये भी तरीका है। क्या तरीका है, अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप क्या करो, इस वेरिएबल पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, क्योंकि कर्व की इक्वेशन दिया होगा आपको, ठीक है। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा ये लाइन की इक्वेशन आने के बाद इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा, मतलब इक्वेशन आ जाएगी। अब ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, वैसे इसमें स्ट्रेट लाइन थोड़ा यूज हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट ये पॉइंट कैसे बना है, तीन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये कर्व नॉर्मल और नॉर्मल एंड टेंजेंट पर। तो आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं और उसके बाद उस इंटरसेक्शन पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, आपका ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखो क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में पढ़ा कि टेंजेंट एक्चुअली होती क्या है, आपकी वो जो डेफिनेशन है कि एक पॉइंट को टच करती है वही टेंजेंट होती है, उसी को थोड़ा हमने और आगे डिफाइन किया कि एक्चुअल में टेंजेंट क्या होती है।
फिर हमने टैंजेंट का इक्वेशन पढ़ा। टैंजेंट की इक्वेशन के बाद आपने पॉइंट निकालना सीखा है ना, पॉइंट कैसे निकालते हैं, और नॉर्मल क्या डेफिनेशन से पढ़ा कि नॉर्मल होती क्या है, उसके हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।